जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस में मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2017 4 सितंबर की सेकंड शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस के साथ दोस्तों मैं आया हूं। आज के एग्जाम एनालिसिस के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राजेश धानवे जी का, दीक्षा शर्मा जी का, रोहित सोनगरा जी का, शुभम राठौर जी का। इन सभी लोगों ने हमें यूट्यूब पर कमेंट कर क्वेश्चंस बताए। साथ ही साथ दोस्तों मैं रूपाली बघेल जी का भी विशेष तौर पे धन्यवाद देना चाहूंगा। इन्होंने हमारे फेसबुक पेज पर मैसेज करके हमको बहुत सारे क्वेश्चंस बताए। दोस्तों अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आपको मालूम है कि क्या प्रोसेस आपको करनी है। अगला तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हम पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा में शोभित अशोक चक्र का रंग क्या होता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय पशु प्रतीक, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन डेली आ रहा है और आज फिर आ गया। बहुत ही सरल प्रश्न है। नीला होता है, 24 तीलियाँ होती हैं। ये हमको ये दर्शाती हैं कि आप 2400 घंटे काम करें, बिल्कुल दिन रात। अगला प्रश्न है भारत का पहला डिजिटल प्रदेश कौन सा है। तो ये है दोस्तों केरल। यहाँ पर दोस्तों आपको गौर करने वाली बात यह है कि केरल से 3 प्रश्न 3 दिन लगातार पूछे जा चुके हैं। तो जो केरल से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आप कर लीजिए। वैसे मैं फेसबुक पर और तपोभूमि ब्रॉडकास्ट पर दोनों जगह एक पोस्ट आपको सेंड कर दूंगा जिसमें भारत में जितने भी प्रथम प्रदेश है यानी किसी भी काम में जो स्टेट फर्स्ट रही है उसकी पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी। दोस्तों वैसे तो इस तरीके के जो प्रश्न होते हैं जैसे भारत में कौन प्रथम रहा, किसी मुख्यमंत्री, राज्यपाल वगैरह इस तरीके के, तो इनकी मैं पोस्ट डाल देता हूं तपोभूमि ब्रॉडकास्ट पे, साथ ही साथ फेसबुक पेज पर भी कभी कभी पोस्ट कर देता हूं। तो अगर उसके भी लिए थोड़ा डिमांड आ रही है कि सर आप इनके वीडियोज़ बना दीजिए, तो क्या अगर इनके वीडियोज़ बनाना ज़रूरी है या नहीं, या केवल पोस्ट से ही काम चल जाता है, ये बात आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न है दोस्तों वर्ष 2016 का संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला। तो दोस्तों सत्यव्रत राउत जी हैं जो कि प्रोफेसर हैं, ठीक है, इनको 2016 का संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अगर आपको जानकारी है कि ये कौन से कॉलेज के, किस यूनिवर्सिटी के, किस डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं तो वो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों निम्न में से किस राज्य की सीमा एमपी से नहीं मिलती। तो दोस्तों एमपी से नहीं मिलती, ये जौन से राज्यों की सीमा एमपी से मिलती है वो आपको मालूम होना चाहिए। उसमें से एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसकी नहीं मिलती होगी, वही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पंजाब केसरी किसका उपनाम है। दोस्तों या तो ये प्रश्न आया था कि पंजाब केसरी किसका उपनाम है, या फिर ये प्रश्न आया था कि शेरे पंजाब किसे कहा जाता है। तो दोस्तों पंजाब केसरी तो लाला लाजपत राय जी का नाम है और शेरे पंजाब भी बहुत ही फेमस हस्ती का नाम है। वो मैं चाहूँगा कि आप कमेंट में मुझे बताएं, अगर आपको नहीं मालूम है तो उसको आप सर्च कर लें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 6वें नंबर का कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। दोस्तों इसके पहले के एग्जाम में पूछा गया था कि मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, ठीक है, तो वहां पर सरला ग्रेवाल आंसर था। वहीं पर मैंने आपको यह भी बताया था कि भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू हैं। अगला प्रश्न दोस्तों 7वां वर्तमान भारत सरकार की विदेश मंत्री। दोस्तों ये प्रश्न ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछा गया था, इनडायरेक्टली पूछा गया था कि भारत के जो विदेशी मामलों का कार्यक्रम है वो कौन देखता है, इस तरीके से ऑप्शन में सुषमा स्वराज था। तो श्रीमती सुषमा स्वराज जी भारत सरकार की विदेश मंत्री हैं। अभी हाल ही में भारत सरकार की पूर्ण रूप से प्रथम रक्षा मंत्री, महिला रक्षा मंत्री बनी है, उनके बारे में अगर आपको कोई जानकारी है तो कमेंट में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन दोस्तों संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो बहुत ही सरल है, बहुत पूछा जाता है, फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न दोस्तों मोर शब्द के नाम पर किस जिले का नाम है और मालवा क्षेत्र के किसी जिले का पूछा है, मालवा क्षेत्र के किस जिले का नाम है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था शायद, क्योंकि 2-3 जगह से इस तरीके से आया और एक जगह से ये आया कि डायरेक्ट मोर शब्द के नाम पर किस जिले का नाम है। तो अगर डायरेक्ट ऐसा ही पूछा जाए तो दोस्तों मुरैना मोर शब्द के नाम पर ही आधारित है। यहाँ पर मोर काफ़ी अधिक संख्या में मिलती हैं, लेकिन दोस्तों मालवा क्षेत्र में ऐसा कोई जिला मुझे नहीं मिला। मैंने मोर के ये बहुत सारे पर्यावाची भी लिख रखे, मयूर, केकी, सिकी, वरही, कलाधर, का कलापी, कलकंठ, नीलकंठ, सारंग, भुजंग भुक, शिखाबल, चंद्रकी, मेघानंदी, सिखंडी, क्षतिपति, अधिपति, इतने सारे मैंने इनके पर्यावाची लिख रखे हैं। मैंने सोचे शायद इन पर्यावाचियों से रिलेटेड कोई मालवा का जिला हो जो मोर शब्द से रिलेटेड हो, लेकिन ऐसा कोई शब्द नहीं मिला, तो मुरैना ही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों धारा 370 का प्रारूप किसके विशेष हस्तक्षेप पर तैयार हुआ। तो दोस्तों
ये जो धारा 370 का पूरा क्रिया धराया है ये सब जवाहरलाल नेहरू का है। इनके व्यवहार की वजह से ही ये सारी चीज़ें हुई हैं। इन्हीं के विशेष हस्तक्षेप पर धारा 370 तैयार हुई है। हालांकि बहुत से लोगों ने इसका विरोध किया था, लेकिन इनकी थोड़ी राजनीतिक पकड़ अच्छी थी, इस वजह से इनका कोई बात का काट नहीं हो पाया। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंजाब में आम आदमी पार्टी को कितनी सीटें मिली। तो दोस्तों ये क्लियर नहीं हुआ था कि विधानसभा चुनाव की बात हो रही है या लोकसभा। तो लोकसभा में तो 4 सीटें मिली, विधानसभा में 20 सीटें मिली 117 में से। वहां पर 77 सीटें कांग्रेस को मिली, तो कांग्रेस ने वहां पर अपनी सरकार बना ली। अमरिंदर सिंह वहां के मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार कौन थे। तो एनडीए एक गठबंधन है, ठीक है दोस्तों, जिसकी प्रमुख पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। तो उनकी तरफ से उपराष्ट्रपति चुनाव में जो उम्मीदवार थे वो वेंकैया नायडू थे, और वो ही जीते भी हैं। ठीक है दोस्तों, आपको एनडीए का फुल फॉर्म कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रीय और साथ ही साथ दोस्तों जो कांग्रेस मुख्य घटक है वो उसका गठबंधन का नाम भी आपको बताना है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में जैन समुदाय के सदस्य का नाम बताना है। तो दोस्तों वर्ष 2014 में जैन समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया था। इस वजह से जो अल्पसंख्यक आयोग है उसमें एक सदस्य जैन समुदाय का भी होना चाहिए है। इसीलिए गुजरात के सुनील सिंघी जी को जैन समुदाय की ओर से अल्पसंख्यक आयोग का सदस्य चुना गया है। अगला प्रश्न दोस्तों 14वें नंबर का, कि संविधान सभा के प्रथम सभापति या अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों प्रथम सच्चिदानंद सिन्हा थे, कुछ दिनों बाद वो राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया, इनको थोड़ा कार्यवाहक तौर पर बनाया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, महादेव गुफा मंदिर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों महादेव गुफा मंदिर, थोड़ा मुझे कन्फ्यूजिंग हो गया ये क्वेश्चन, क्योंकि जो परशुराम महादेव गुफा मंदिर है वो तो मेवाड़ में है, और जो पचमढ़ी में गुप्त महादेव गुफा और बड़ा महादेव गुफा और वहाँ पर मंदिर भी बने हुए हैं महादेव के, तो वो पचमढ़ी में है। पचमढ़ी में दोस्तों ये जो महादेव गुफाएं हैं, यहाँ पर क्या जो पांडव थे उनको गुप्त एक साल का जो गुप्त वनवास झेलना था, गुप्त अज्ञातवास झेलना था, वो उन्होंने यहीं पर काटा था उसका अधिकांश समय। ठीक है दोस्तों, खंडरिया महादेव मंदिर आपका खजुराहो में, तो क्या आंसर होगा आप लोग भी थोड़ा सोचें समझें बताएं। अगला प्रश्न है, भोपाल के भारत भवन का डिजाइन किसने बनाया। तो दोस्तों ये तो बहुत ही सिंपल और फेमस प्रश्न है, वास्तुकार चार्ल्स कोरिया ने डिजाइन दी थी भारत भवन की, और इसका उद्घाटन 13 अक्टूबर 1982 में हुआ। 2 साल तक यहाँ पर काम चला, 1980 में निर्माण कार्य चालू हो गया था। अब ये कुछ दोस्तों आप गणित के प्रश्न देख लीजिए कि गणित के किस तरीके के प्रश्न आए थे, आप यहाँ पर पॉज करके इनको देख सकते हैं, अदरवाइज आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ पर मिल जाएंगे। इसके बाद हम विज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे, हमारे पास 10 विज्ञान के प्रश्न हैं दोस्तों। दोस्तों आपकी बहुत डिमांड आ रही है मैथ के सवालों का, सॉल्यूशन बताइए सर सॉल्यूशन। तो अभी क्या है, 3-4 दिन से मैं मैथ के सवालों का सॉल्यूशन नहीं डाल पाया हूँ, तो कल जो पहली शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चंस थे वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में हमको मिले हैं, तो उसका सॉल्यूशन मैं डालूँगा, उसके बाद इसका डालूँगा, ठीक है, अगर ज़रूरी लगे आपको। वैसे इतने कठिन क्वेश्चंस नहीं हैं, ठीक है। तो ये मैथ के क्वेश्चंस आपने देख लिए, अब हम आते हैं विज्ञान के प्रश्नों पर। तो दोस्तों विज्ञान का जो पहला प्रश्न है कि कोशिका के केंद्रक में क्या होता है। तो कोशिका के केंद्रक में दोस्तों क्रोमोसोम्स होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र के अंदर ही डीएनए पाया जाता है। ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीट है, रिपीट कैसे कि पहले ये पूछा गया था कि क्रोमोसोम्स कहाँ पे पाए जाते हैं, तो कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं, ठीक है, अब उसी को उल्टा करके पूछ दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के वाहक कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर इसके स्थायित्व की क्या प्रक्रिया रहती है। यानी कि दोस्तों क्या है, इलेक्ट्रॉन में क्या है, जो बाहरी कक्षा होता है उसका अष्टक पूरा होना चाहिए, यानी वहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तभी वो स्थायित्व होगा। इसकी वजह से ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जो तत्व होते हैं वो एक दूसरे से क्रिया करते हैं। अब जैसे किसी की बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो अधिकांश केसों में ऑक्सीजन क्या करता है कि उन 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देता है, वो दूसरे को दे देता है, डबल ऋणायन बन जाता है, वहाँ से वो जुड़ जाता है और दूसरा एक यौगिक बन जाता है, उससे स्थायित्व को प्राप्त करता है, या फिर सहसंयोजी बंध भी बनाता है। तो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा किस तरीके के ऑप्शन थे, उस हिसाब से आंसर दे देंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सफेद रंग कितने रंगों का मिश्रण है। तो सफेद रंग दोस्तों 7 रंगों का मिश्रण होता है, वैसे तो अनंत कलर कह सकते हैं, इनफाइनाइट कलर्स बोल सकते हैं अपन, क्योंकि जो वेवलेंथ वो तो इनफाइनाइट रहेगी जितने भी जो रहते हैं, ठीक है, तो कलर, लेकिन जो डिफाइन करें जो अपन अपनी आंखों से देख पाए, वैसे 7 रंग होते हैं, उन सभी को मिलाकर सफेद रंग बनता है। अगला क्वेश्चन है, किसान शीत ऋतु में खेतों में पानी क्यों भरते हैं। तो दोस्तों जो पाला होता है, पाला यानी कि ओस,
हैं वो पाला यानी कि ओस नहीं दोस्तों, कोहरा। ठीक है, धुंध, कोहरे से बचने के लिए, फसलों को कोहरे से बचाने के लिए शीत ऋतु में भी खेतों में पानी भर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनको कोहरे की, पाले की बहुत ज़रूरत होती है, जैसे गेहूं की फसल। वो तब तक पकेगी नहीं जब तक ढंग से कोहरा दबेगा नहीं। अगला प्रश्न है दोस्तों, शरीर में हड्डी को मांस से कौन जोड़ता है, कौन सा ऊतक जोड़ता है? तो दोस्तों कंडरा ऊतक जोड़ता है, जिसको इंग्लिश में टेंडन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मांस की आपूर्ति के लिए किस जानवर को पाला जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन देख लेंगे, मुर्गी उर्गी होगा तो वो डाल देंगे, और जो भी उसका रास है, उसका क्या कहते हैं बायोलॉजिकल नेम होगा, वो हो सकता है जैसे। ठीक है, ऑप्शन में। अब आते हैं सातवें नंबर के प्रश्न पर। सातवां प्रश्न है, पादप कोशिकाओं यानी कि प्लांट सेल का जो वैक्यू होल है, जो रिक्तिकाएं कहते हैं, जिनको हिंदी में मुख्यतः किस प्रकार से बनती हैं? तो दोस्तों रिक्तिकाओं में सबसे ज़्यादा जल की मात्रा होती है, तो इसको जल ही बोलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, पृथ्वी के केंद्र में पाई जाने वाली परत मेंटल कोर होती है, कोर बोलते हैं, कोर में जो पाई जाती है, मेंटल भी बोलते हैं उसको। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर क्या है, ज़्यादातर धातुएं वातुएं सभी बिल्कुल अपनी पिघली अवस्था में पाई जाती हैं, क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है। अब नौवे नंबर का प्रश्न है दोस्तों, पौधों और फूलों में रंग किस वजह से होता है? तो दोस्तों आपने एक चीज़ सुनी होगी, हरित लवक। हरित लवक का एक लवक होता है, ठीक है, लवक नाम की चीज़ होती है, जो तीन प्रकार के होते हैं, उन्हीं की वजह से पौधों और फूलों में रंग पाया जाता है। हरित लवक की वजह से हरा रंग होता है। ठीक है, इसी तरीके से और लवक होते हैं। एक प्रश्न दोस्तों विद्युत धारा से संबंधित भी पूछा गया था। दोस्तों अगर इस लेक्चर की आपको PDF फाइल चाहिए तो आपको क्या करना होगा, आपको हाईवे इंडिया मैसेंजर डाउनलोड करना होगा, और आपके भाई का ऐप है उसको 5 स्टार की रेटिंग देनी होगी। साथ ही साथ दोस्तों आपको तपोभूमि ब्रॉडकास्ट वहां पर सर्च करके उससे जुड़ना होगा। दोस्तों हम एक नया ब्राउज़र ऐप बनाना चाह रहे हैं जो कि स्टूडेंट के लिहाज से सही हो, तो आप लोग हमें ये बताएं कि आप सबसे ज़्यादा पढ़ाई से संबंधित क्या चीज़ ब्राउज करते हैं, उसी से रिलेटेड हम अपने ऐप को डेवलप करेंगे। धन्यवाद, जय माता दी।